हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो गाइस आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं फ्री फायर, वो भी कीबोर्ड एंड माउस के साथ मोबाइल टू मॉनिटर कनेक्ट करके। एंड आप लोगों को पता होगा कि फिलहाल ही में मैंने मिक्स प्रो का 4-in-1 कॉम्बो को बाय किया था, तो यहाँ पे ऑफिशियली इसी से कनेक्ट करके हम लोग प्ले करने वाले। एंड हो सकता है कि मिक्स प्रो के ऊपर ये लास्ट वीडियो है एंड इसके बाद मैं इसको रिटर्न करने वाला हूँ, वो क्यों, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग कनेक्शन करते करते मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिक्स प्रो में क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन के लिए आप लोगों को जॉन 10 का 3-in-1 HDMI केबल की जरूरत पड़ने वाली है। एंड इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो मिक्स प्रो है उसका तो जरूरत पड़ने ही वाला है। एंड इसी का यहाँ पे मैं कीबोर्ड एंड माउस को यूज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली मोबाइल का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड अगर आपके पास एक मॉनिटर पड़ा हुआ है पहले से ही, तब आप लोग इजिली फ्री फायर को अपने बड़े स्क्रीन यानी कि मॉनिटर में स्क्रीन कास्ट करके इजिली फ्री फायर को प्ले कर सकते हो इस केबल के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस केबल का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को इस केबल के अंदर सबसे फर्स्ट आप लोगों को एक HDMI केबल मिलेगा, जो आपका मॉनिटर HDMI होना चाहिए, ये आपका मॉनिटर में कनेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप ए एक केबल मिलेगा, USB केबल। इसको आपको अपने चार्जर से पावर देना है, याद रहे 5 वोल्ट के चार्जर से इसको पावर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का अगर टाइप सी है या फिर माइक्रो टाइप है फ़ोन का, आप लोगों का ये ऑल सपोर्ट है, मतलब ऑल इन वन है। यहाँ पे आप लोगों को आईफोन भी है तो आईफोन में भी इजिली आप इसका कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये बेस्ट है, आप लोगों का जो भी टाइप है फ़ोन का वो इजिली आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हो एंड इसको कनेक्ट करके इजिली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन भी बहुत ईजी है, बस आप लोगों मैक्रो में जो भी है उसको अटैच कर देना है। मेरा यहाँ पे टाइप सी है तो टाइप सी को कनेक्ट करके इजिली मैं यहाँ से इसका पूरा फुल कनेक्शन कर लेता हूँ। एंड फाइनली मैंने यहाँ पे पूरा फुल कनेक्शन कर लिया। एंड जैसे मैंने चार्जर में पावर दिया वैसे ही यहाँ पे ये मेरा स्क्रीन ऐसा हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो, जैसे आप लोग अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपने सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है। ये यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन के साथ ही ये वर्क करेगा एंड आपका स्क्रीन कास्ट होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो MIUI वर्जन पे क्लिक करके यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेता हूँ। एंड उसके अंदर जाके यहाँ पे आप लोगों को USB डिबगिंग को ऑन कर लेना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी फ़ोन हो तो आप लोगों को ये सेटिंग ईजिली मिल जाएगा। बस आप लोगों को अबाउट फोन में जाके ईजिली यहाँ से आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। एंड इनेबल करने के बाद आप लोग बैक जब करोगे तब आप लोग फिर से एक बार डिसकनेक्ट करो। एंड उसके बाद फिर से जैसे ही कनेक्ट करोगे वैसे ही आप लोगों के सामने एक लिंक बन के आ जाएगा। ओके, वैसे आप लोग इसको व्यू करो, व्यू करने के बाद ही ऑटोमेटिक यहाँ पे मतलब क्रोम पे चला जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोगों का इजिली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। एंड जैसे डाउनलोड हो जाए उसके बाद आप लोग इसको इंस्टॉल कर लो, नीट कार्ड इस एप्लीकेशन का नेम है। एंड जैसे आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद फर्स्ट टाइम आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको अलाउ कर देना एंड जस्ट यहाँ पे डोंट शो अगेन पे क्लिक करके स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप लोग क्लिक करते हो वैसे आपका स्क्रीन फाइनली शेयर हो जाता है। एंड अब यहाँ से आप लोग अपने फ़ोन का स्क्रीन अपने मॉनिटर में इजिली देख सकते हो, कास्ट कर सकते हो एंड आप यहाँ से फ्री फायर का भी गेम प्ले इजिली कर सकते हो। ये तो हो गया कनेक्शन, आप लोग भी इजिली इसी तरीके से अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो एंड ये सभी फ़ोन्स में सपोर्ट है। और यहाँ से अब आप लोगों को मैं मिक्स प्रो से कनेक्ट करके इजिली अब गेम के अंदर चले जाते हैं। एंड वीडियो अभी तक देख रहे हो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, तो अब यहां पर देखो हम लोग फाइनली गेम के अंदर आ गए, तो अब चलते डायरेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में एंड कुछ गेम प्ले करते हैं। तो फाइनली हम लोग यहां पे आ गए ट्रेनिंग ग्राउंड में एंड यहां पे आप लोग देखो, अब यहां पे मैं बता रहा था इंट्रो में यहां पे मिक्स प्रो को बाय नहीं करना चाहिए, तो यार ऐसा ये मेरे लिए आप लोग बाय कर सकते हो क्योंकि मैं जो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ वो यार मेरे से काफ़ी टाइम मतलब हाथ से छूट के नीचे गिर चुका है और हो सकता है कि यार इसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ गया होगा। लाइक यहाँ पे मेरा जो गेम है वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है और ये कनेक्शन मतलब अभी जो लाइट इसमें ब्लिंक कर रहा है मिक्स प्रो पे वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस तो कर नहीं सकता क्योंकि रिप्लेसमेंट इसमें है नहीं, ये डायरेक्ट इसमें रिटर्न अवेलेबल दिख रहा है। तो मैं इसको अभी रिटर्न करने वाला हूँ क्योंकि हो सकता है ये मेरा लास्ट वीडियो मिक्स प्रो के ऊपर, बट आप लोग ज़रूर से बाय करना क्योंकि यार ये सभी में नहीं हो सकता, ये कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में ही ऐसा होता है जो रिटर्नेबल होता है, तो आप लोग रिटर्न भी इजिली कर सकते हो अगर आप में हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हो। ओके, एंड आगे आप लोगों को एक और न्यू गैजेट देखने को मिल सकता है एंड मैं उसको ऑर्डर कर चुका हूँ बट वहाँ पे अभी डिलीवर होने में भी बहुत टाइम उसमें लग सकता है। बस इतना आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूँ कि अभी जितने भी मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट्स बताया, लाइक यहाँ पे मिक्स प्रो हो गया, फ्लाइट GQ1 हो गया एंड एक और ट्राइंगल वाला एक मेरे पास गैजेट था
वो हो गया, वो सब ब्लूटूथ का 4.0 वर्जन है, बट यहाँ पे मैं जो अभी ऑर्डर कर चुका हूँ वो 5.0 वर्जन है, मतलब इन सभी से बेस्ट है और इन सभी से बजट रेंज का है यार। मतलब सबसे मेन यही होता है कि बजट रेंज का होना चाहिए, तो इन सभी गैजेट से वो बहुत ज़्यादा बजट रेंज में है, तो यार बहुत बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि उस मैंने देखा रिव्यू में तो उसका स्मूदनेस, क्लिक इश्यूज एंड जॉयस्टिक प्रॉब्लम्स वो सब बहुत कम है, और यहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत, इन सभी से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का उसमें स्मूथ है, तो आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि यार वो कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और इसमें आप लोगों को देखो कि मुझे एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, जब ही देखो अभी यहाँ पे वॉल लगाया मैंने, ये डायरेक्ट ऊपर तो ट्रैक हुआ बट नीचे की साइड पे नहीं आता है फास्ट, ओके यही होता है स्मूदनेस। तो बस यार आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और न्यू गैजेट के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो जल्द से जल्द, तो 200K कंप्लीट करना है, तो मिलते जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।